back to my channel. This is खुशबू एंड दिस इज द क्लास वन ऑफ एम सी क्यूज सीरीज. सो हमारे चैनल पे मैं एक एम सी क्यूज सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें डेली डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एक क्विज टाइप हम करेंगे. अराउंड 10-20 क्वेश्चंस डेली हम किया करेंगे. सो फर्स्ट क्लास है ये और इसकी जो PDF है वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. सो लेट्स बिगिन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वॉज बेस्ड अपॉन. ए ऑप्शन इज मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स, बी ऑप्शन इज मॉन्टेग्यू चेल्म्सफोर्ड रिपोर्ट, सी इज रामसे मैकडोनल्ड अवार्ड एंड डी इज नेहरू रिपोर्ट. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, दैट इज मॉन्टेग्यू चेल्म्सफोर्ड रिपोर्ट. सो जो मॉन्टेग्यू चेल्म्सफोर्ड रिपोर्ट आई थी 1919 में, उसी के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पब्लिश किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द इंटरिम गवर्नमेंट ड्यूरिंग 1946 to 1947. यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है कि इंटरिम गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर पूछा है. इंटरिम गवर्नमेंट मीन्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और जो इंडिपेंडेंट इंडिया की गवर्नमेंट बनी थी उनके बीच की एक गवर्नमेंट थी, जो उसका फाइनेंस मिनिस्टर पूछा गया है आपको यहाँ पे. ए ऑप्शन है आर के शनमुख चेट्टी, बी ऑप्शन है जॉन मथाई, सी ऑप्शन है लियाकत अली खान एंड डी ऑप्शन है चिंतमन राव देशमुख. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज लियाकत अली खान. सो जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे लियाकत अली खान. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया. अब यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया पूछा गया है, यहाँ पे आपसे इंडिपेंडेंट इंडिया का लॉ मिनिस्टर पूछा गया है, जो कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारी फर्स्ट गवर्नमेंट बनी थी. द फर्स्ट ऑप्शन इज जे एल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू. बी ऑप्शन इज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद. ऑप्शन सी इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड ऑप्शन डी इज टी कृष्णमाचारी. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज लॉ मिनिस्टर ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल. अब जो लास्ट क्वेश्चन था वहां पे आपसे लॉ मिनिस्टर पूछा गया था इंडिया का, दैट इज इंडिपेंडेंट इंडिया की जो फर्स्ट गवर्नमेंट बनी थी वहां के लॉ मिनिस्टर. अभी पूछा गया है जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में, उस टाइम पे गवर्नर जनरल काउंसिल का फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन था. ऑप्शन ए इज जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इज मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी इज सत्येंद्र सिन्हा, ऑप्शन डी इज तेज बहादुर सप्रू. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज सत्येंद्र सिन्हा. तो आपने इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है. लॉ मिनिस्टर गवर्नर जनरल्स काउंसिल के पहले थे सत्येंद्र सिन्हा जी, और जो इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट्स कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का लिखा था, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको बनाया था, उसकी स्टेट्स कमेटी का चेयरमैन कौन था. ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सत्येंद्र सिन्हा एंड ऑप्शन डी है सरदार पटेल. सरदार पटेल है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, दैट इज जवाहरलाल नेहरू जी. तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्टेट्स कमेटी थी उनके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फाइनली अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड ऑन. तो आपने ये वर्ड्स का ध्यान रखना है, यहाँ पे आपसे अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड पूछा है. जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनी थी, इंडिया भारत का जो संविधान था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, उसको फाइनली कब अडॉप्ट किया गया और कब इनेक्ट किया गया, ये पूछ रहा है वो आपसे. ऑप्शन ए है 15th अगस्त 1947,
ऑप्शन बी इज 30th जनवरी 1948, ऑप्शन सी इज 26th नवंबर 1949 एंड ऑप्शन डी इज 26th जनवरी 1950. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज 26th नवंबर 1949. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर, यहाँ पे आपसे वो पूछ रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, जिन्होंने भारत का संविधान बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाई थी, उनके जो मेंबर्स हैं, ऑप्शन ए है डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, लोगों ने डायरेक्टली इलेक्ट किए थे, मतलब कि जैसे इलेक्शंस होती हैं वैसे ही. बी ऑप्शन है नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल. ऑप्शन सी है इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ वेरियस प्रोविंसेस एंड नॉमिनेटेड बाय द रूल्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स. जो भी प्रोविंसेस थी ब्रिटिश इंडिया में, उनके लेजिस्लेचर ने कुछ लोगों को इलेक्ट किया था, और जो प्रिंसली स्टेट्स थी ब्रिटिश इंडिया की, वहाँ के रूलर्स ने उनको नॉमिनेट किया था. डी ऑप्शन है नॉमिनेटेड बाय द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, कि कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ने नॉमिनेट किए थे. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी, इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ वेरियस प्रोविंसेस एंड नॉमिनेटेड बाय द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. सो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उनको ब्रिटिश इंडिया में जो प्रोविंसेस थी इंडिया की, उनके लेजिस्लेचर्स ने इलेक्ट किया था, और जो प्रिंसली स्टेट्स थी, उनके रूलर्स ने, उनके राजा ने नॉमिनेट किया था. नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अब वो पूछ रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था. ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर जी, ऑप्शन बी है के एम मुंशी, ऑप्शन सी है सर बी एन राव, ऑप्शन डी है टी टी कृष्णमाचारी. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज सर बी एन राव. तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर पूछ रहा है, जो थे सर बी एन राव जी. नेक्स्ट है हु मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट की गई थी, वो किसने मूव की थी. ऑप्शन ए है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है सर बी एन राव, एंड ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज जवाहरलाल नेहरू. तो जहां पे भी आपसे पूछा जाए कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसने मूव की थी, तो उसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू जी. लास्ट क्वेश्चन है द फिलोसफिकल पोस्टुलेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर बेस्ड ऑन. जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो भारत का संविधान है, उसके जो फिलोसफिकल पोस्टुलेट्स हैं, वो किस पे बेस्ड हैं. ऑप्शन ए है नेहरू रिपोर्ट 1928, ऑप्शन बी है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू 1947, ऑप्शन सी है बिल ऑफ राइट्स, एंड ऑप्शन डी है प्रीएम्बल. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू 1947. जो जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव की थी, उसी के बेस पे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसका फिलोसफिकल पोस्टुलेट्स है. आई होप आपको ये क्वेश्चंस, ये सीरीज का फर्स्ट पार्ट है जो, वो पसंद आया होगा. और कोई भी आपका सजेशन है, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि अगर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज करवाने हैं, या फिर आप किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहते हैं इन द नेक्स्ट क्लास. And if you like this video, please hit the like button and subscribe to my channel. See you in the next video.